सिमलिया थाना क्षेत्र में एक आठवीं क्लास की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके तहत ही सिमलिया थाना के एएसआई नंद किशोर ने बताया कि ज्योति पुत्री लक्ष्मी नारायण ने अज्ञात कारणों के चलते ही अपने घर में फांसी लगाई। मृतक छात्रा के पास किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वही पुलिस इस मामले की अग्रिम जांच कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि परिवारजनों ने बताया और मौके पर गया, उसके मुताबिक है कि कल दिनांक 14/4/2024 को समय 7 बजे के करीब बाद इसके चाचा ने बताया भवानी सुंदर ने कि इसके भाई लक्ष्मी नारायण की पुत्री है ज्योति उमरी 15 साल करीब, जिसने उनके मकान में ये साड़ी से फंदा लगाकर और कड़ी लटका कर आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच के लिए उतार ली थी। कारण अभी नहीं पता है परिवार ने किस क्यों इसने फांसी लगाई की आत्महत्या की, ये जांच का बिंदु है। ये प्रति के 8 दिन जो परिवार जन ने बताया उसने बताया घर पे कोई नहीं था, उसको घर पे गए इसके दादी थे वो मोतीलाल जी। कोटा के हॉस्टल में